हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट का, जिसका नाम है डोरमेंट कंपनी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, उसका स्टेटस कैसे लिया जाता है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब आज की क्लास में आप लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भैया आज अपन लोग पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी? सबसे पहले ये जानने के पहले कि कंपनीज एक्ट में डोरमेंट कंपनी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे उसका सेक्शन क्या है। तो डोरमेंट कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या होता है? 455। और डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट का मतलब वैसा कंपनी जो कि कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, अ कंपनी विच इज फॉर्म एंड अ कंपनी विच इज फॉर्म एंड अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। भाई अगर ये कंपनी है, अगर ये कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन और इसका फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होगा। अगर ये कंपनी है तो इसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म एंड रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन बनाए क्यों, बनाए क्यों मैंने डोरमेंट कंपनी? से फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने नेम रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी फॉर्म कर दिया, दैट मींस अभी मैं इस कंपनी में कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन एक नाम मेरे को अच्छा लगा तो उस नाम को रिजर्व करने के लिए मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये पहली चीज, ये हो सकता है। दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल कि फ्यूचर में मुझे बनाने हैं हॉस्पिटल 100 बेड का, तो मेरे को सस्ता जमीन मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आज मैंने कंपनी बना दी और उस कंपनी के नाम पे उस जमीन को परचेज कर लिया, राइट? तो एसेट होल्ड करने के लिए मैंने क्या कर लिया, एसेट होल्ड करने के लिए मैंने क्या कर लिया, एसेट होल्ड करने के लिए कंपनी क्रिएट कर ली, एसेट होल्ड करने के लिए कंपनी बना ली, या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट को, फ्यूचर में होने वाले प्रोजेक्ट, मेरे को नहीं पता फ्यूचर में होगा कि नहीं, लेकिन मैंने ये प्लान कर लिया कि मैं फ्यूचर में इस काम को करूंगा, तो उस फ्यूचर प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने आज क्या कर लिया, कंपनी क्रिएट कर लिया, ठीक है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी क्रिएट कर लिया, एसेट होल्ड करने के लिए कंपनी क्रिएट कर लिया। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और एसेट को होल्ड करने के लिए अगर मैं कंपनी फॉर्म करता हूं तो वो कंपनी कहलाती है डोरमेंट कंपनी, राइट? तो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, राइट, दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, दैट मीन्स कंपनी आज बना रहा हूं लेकिन उसमें कोई काम करूंगा नहीं, मैं काम होगा फ्यूचर में, और टू होल्ड एन एसेट,
एसेट को होल्ड करने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है पेटेंट, कॉपीराइट। इसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या कर लिया, डोरमेंट कंपनी फॉर्म कर लिया। ठीक है, ओके सर, यहां तक तो हो गई। अब एंड 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 नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यानी इस कंपनी में, इस डोरमेंट कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सच ए कंपनी और एन एक्ट इनएक्टिव कंपनी में मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच ए मैनर एज विल प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी क्या हुआ? वो कंपनी, वैसी कंपनी, तो डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 455, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग क्या हुआ कि वेयर अ कंपनी इज फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑल टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच ए मैनर एज वी प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो ऐसे कंपनी को रजिस्ट्रार के पास क्या करना होता है? रजिस्ट्रार के पास डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है ना सच्चे मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एमएससी फॉर्म नंबर MSC 1 रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। फॉर्म नंबर MSC 1 रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं कि भैया मेरे को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दो, मैंने कंपनी फॉर्म किया है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किया है, एसेट होल्ड किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड किया हुआ है, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होने के बाद, MSC 2 में क्या देगी? MSC 2 में डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी उस कंपनी को, राइट? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ आप, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है? तो चलो पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पढ़ने के पहले अपन लोग ये जो डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़े, मीनिंग पढ़े, उसको समराइज करते हैं, कहीं पे नोट्स बना के लिखते हैं, राइट? नोट्स बना के लिखते हैं। ओके okay. चलो आ जाओ, आ जाओ सारे, चलो लिखना स्टार्ट करो। डोरमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी? डोरमेंट कंपनी, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी क्या हुआ, डोरमेंट कंपनी क्या हुई? व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और
टू होल्ड एन एसेट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक द एप्लीकेशन टू रजिस्टर टू रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर MSC 1 टू ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। राइट, तो डोरमेंट कंपनी का मीनिंग क्या हुआ? डोरमेंट कंपनी का मीनिंग हुआ, डोरमेंट कंपनी का मतलब हुआ, वर कंपनीज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, किस लिए? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। और किस लिए? और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जहां पर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता। सच ए कंपनी और एन एक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर MSC 1 फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। राइट, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। तो अब एक चीज अपन लोग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। भैया ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होवत है? क्या होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग? तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है एनी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट एनी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या? तो चलिए जानते हैं। एक, दो, तीन, चार। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? तो बोलता है कि सारे ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, एक्सेप्ट यानी इनको छोड़ के, यानी इनको छोड़ के भैया, इनको छोड़ के। हाँ, तो एनी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट फोर। सबसे पहला
पेमेंट ऑफ फी टू आरओसी, पेमेंट ऑफ फी टू आरओसी। एक बात बताओ, अगर आरओसी को डोरमेंट कंपनी ने कोई फी पे किया तो क्या बोलोगे कि वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है? नहीं। जैसे एग्जाम्पल, जब आप फॉर्म MSC 1 पे कर रहे हो, MSC 1 सबमिट कर रहे होगे, जब आप फॉर्म नंबर MSC 1 सबमिट कर रहे होगे, डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे होगे, उस टाइम MSC 1 जमा करना होता है, साथ ही साथ जो प्रिस्क्राइब्ड फी होता है वो भी सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो आपने फी पे किया तो आप क्या बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है? नहीं, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा पेमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी फी। अब एक बात बताओ, क्या डोरमेंट कंपनी का ऑडिट होगा? यस एंड नो। क्या डोरमेंट कंपनी का ऑडिट होगा? तो हाँ भैया, डोरमेंट कंपनी का ऑडिट होगा, डोरमेंट कंपनी की ऑडिट होगी। डोरमेंट कंपनी का ऑडिट इसलिए होगा ताकि पता कर सके कि कहीं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद कहीं डायरेक्टर लोग मिलके अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा। तो ये चेक करने के लिए क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। अरे ऑडिट करवाएंगे क्योंकि ये कंपनी है, दैट इज वाई इसका ऑडिट होगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं होगा, यहाँ पे ऑल्टर का रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पे ऑल्टर का रोटेशन नहीं होगा, यहाँ यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिट करवाएंगे किसका? डोरमेंट कंपनी का ऑडिट करवाएंगे। तो अब एक बात बताओ, डोरमेंट कंपनी की जब ऑडिट होगी तो ऑडिटर क्या लेगा? तो ऑडिटर लेगा ऑडिट फी। तो ये क्या हो गया? स्टेट्यूटरी फी हो गया। ऑडिट फी क्या हो गया? स्टेट्यूटरी फी। तो क्या बोलोगे कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, ओके सर। थर्ड, अब एक बात बताओ, कंपनी है ना? हाँ सर, कंपनी है। तो कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा? हाँ सर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तो उस ऑफिस में फर्नीचर होगा। हाँ सर, फर्नीचर होगा। उस ऑफिस की साफ सफाई हो रही होगी? हाँ सर, हो रही होगी। वहां पे एक आदमी बैठा होगा जो ऑफिस का देख रेख कर रहा होगा? हाँ सर, ये सब तो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट करेंगे, जो ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। तो कोई गोगा लोग उठ के ये मत बोल देना, कोई गधा, कोई बेवकूफ उठ ये ना बोले कि अरे भैया आपने तो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, आप तो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, आप तो वहां पे स्टाफ को पेमेंट दे रहे हैं, ये तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। तो उसको बोलना जी नहीं, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट दीज ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं कंप्लीट ही कर दूं, दीज। ठीक है, तो पहला हो गया पेमेंट ऑफ फी टू आरओसी, दूसरा हो गया पेमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी फी, तीसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स,
एंड द फोर्थ वन इज शेयर अलॉटमेंट। एक बात बताओ, कंपनी है ना? हाँ भैया कंपनी है। प्राइवेट रहे, ओपीसी रहे या पब्लिक रहे, शेयर अलॉटमेंट तो होगा ही ना। हाँ शेयर अलॉटमेंट होगा तो उसमें भी पैसे ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगा, अमाउंट इन्वॉल्व होगा, तो उसको भी क्या बोलो कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। तो जी नहीं, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर कवर नहीं होता, राइट। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सारे ट्रांजेक्शन होते हैं एक्सेप्ट फोर। पहला पेमेंट ऑफ फीट, ROC, दूसरा पेमेंट ऑफिस स्टेट्यूटरी फी, तीसरा ऑफिस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, एंड चौथा शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, कंपनी एक्ट इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट, राइट। तो ये चार ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, यानी एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट पहला पेमेंट ऑफ फी बाई कंपनी टू रजिस्ट्रार, यानी पेमेंट ऑफ फी टू ROC, राइट। दूसरा पेमेंट मेड बाई इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, यानी स्टेट्यूटरी फी। इसको क्या बोलेंगे, स्टेट्यूटरी फी। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ठीक है। एंड चौथा अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। चलो एक चीज और जान ले कि इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव कंपनी? इनएक्टिव, एक्टिव का मतलब वो कंपनी जिसमें काम हो रहा है, इनएक्टिव का मतलब वो कंपनी जिसमें डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरी नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कंपनी पहले बिजनेस कर रही थी, बिजनेस एक्टिविटी कर रही थी, बट अभी जाके कंपनी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है। तो चलो जानते हैं, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बिन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, यानी वैसी कंपनी जो ना कोई बिजनेस कर रही है और ना ही ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। विच इज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, ठीक है, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, और हैज नॉट मेट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है। यानी ये चार चीजें तो हुई होंगी, लेकिन और कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा। और ध्यान दो, क्यों मैं और करवा रहा हूं, ओके। एंड हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, और कंपनी ने क्या नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले दो फाइनेंशियल ईयर का, ना तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया और ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया, ठीक है, पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से, ठीक। अब एक चीज और मैं बता दूं, अभी दो जगह तुमने यहां पे और पढ़ा है, यहां पे और पढ़ा है, यहां लिखा है एंड, ठीक है, या तो ये, यहां पे दोनों करने होते हैं, एक नहीं, यहां
स्टेटमेंट प्लस एनुअल रिटर्न दोनों क्या करने होते हैं, जमा करने होते हैं, बट यहां कंपनी ने नहीं किया, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी। तो यहां तक क्लियर है, इनएक्टिव कंपनी क्या हुआ, वैसा कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं कर रहा है, जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से ना एनुअल रिटर्न जमा किया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा किया, वैसे कंपनी को क्या बोलते हैं, वैसे कंपनी को बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। राइट। हाँ सर, समझ में आ गया, आगे बताओ। तो चलो आगे चलो, चलो चले मितवा लॉ की गहराइयों में। ठीक है, तो लॉ की गहराई में जाने के पहले मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। बेनिफिट, बेनिफिट डोरमेंट कंपनी का एडवांटेज बेनिफिट क्या होगा, डोरमेंट कंपनी का बेनिफिट या एडवांटेज क्या होगा। तो अभी अपन जानेंगे बेनिफिट्स या एग्जम्पशंस ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को क्या बेनिफिट या एग्जम्पशन मिला है, एक बात बताओ। सबसे पहले आप लोगों भी पढ़े थे कि डोरमेंट कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, ओके हाँ सर पढ़े थे। दूसरा, दूसरा डोरमेंट कंपनी को कंप्लायंस कम करने होते हैं, क्या कम करने होते हैं, कंप्लायंस यानी स्टेट्यूटरी कंप्लायंस जो है वो क्या होता है लो। तीसरा नॉर्मल कंपनी को करने होते 4 बोर्ड मीटिंग, एट लीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग, बट डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करना होता है, 2 बोर्ड मीटिंग एज रिक्वायर्ड। 2 बोर्ड मीटिंग करने होते हैं और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच गैप जो होता है वो 90 डेज का होना चाहिए, गैप जो है वो 90 डेज का होना चाहिए। ओके सर, 2 बोर्ड मीटिंग करना है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कितना होगा, 90 दिनों का। ऐसा नहीं कि एक आज कर लिए और एक कल करके सलटा दिए, तो आज और कल ऐसे ना ही, ऐसे नहीं होगा। एक बोर्ड मीटिंग आज हुआ तो दूसरा बोर्ड मीटिंग 90 दिनों के बाद होगा, एक आज हुआ तो दूसरा 90 दिनों के बाद होगा, एक आज हुआ तो दूसरा 90 दिनों के बाद होगा। राइट। और क्या एग्जम्पशन है, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है डोरमेंट कंपनी को। डोरमेंट कंपनी को क्या नहीं बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, तो नो नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। एक और बेनिफिट है, एक और बेनिफिट है जो कि मैं आपको बताता हूँ, एक और बेनिफिट है जो कि मैं आपको बताता हूँ। एक और बेनिफिट क्या है, जल्दी बताओ सर, वेट नहीं हो रहा, जल्दी बताओ।
तो मैं बताता हूँ एक और बेनिफिट क्या है कि अरे एक बार डोरमेंट कंपनी का स्टेटस के लिए अप्लाई मान लो अगर इस साल किए तो क्या नेक्स्ट ईयर भी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए मैं अप्लाई करूंगा? हो क्या होगा सर इसका आंसर? नो। एक वंस आपने जब डोरमेंट कंपनी एक बार जब आपने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया तो आने वाले 5 साल तक आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। तो वंस कंपनी हैव अप्लाइड फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ही शैल एंजॉय द स्टेटस फॉर 5 ईयर्स। तो एक बार जब आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप आने वाले 5 साल तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आजीवन, सिर्फ 5 साल, राइट? तो आज अपन ने 3 चीज पर ही, सबसे पहला डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग क्या होता है, दूसरा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, एंड तीसरा बेनिफिट या एग्जम्पशन क्या है डोरमेंट कंपनी को। तो चलिए मैं आपके साथ एक एक करके एक बार फिर से क्विक रिविजन करवा देता हूँ। क्विक रिविजन, क्विक रिविजन, क्विक रिविजन, राइट? तो डोरमेंट कंपनी क्या हुआ? तो बोलता है कि डोरमेंट कंपनी व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। हाँ भैया सही है, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और सच ए कंपनी और सच ए कंपनी और एन एन एक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर MSC 1। फॉर्म नंबर बेटा एकदम याद रखो, MSC 1, टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी अप्लाई करेगी MSC 1 डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, रजिस्ट्रार देगा, ROC देगा, ROC MSC 2 देगा डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, राइट? हाँ सर याद है, ठीक है, याद है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन क्या हुआ? सारा ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट फोर, चार ट्रांजेक्शन जिसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वैसा ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं एक्सेप्ट फोर, चार को छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगा। सबसे पहला पेमेंट ऑफ फी टू ROC, ठीक है, पेमेंट ऑफ फी टू ROC, दूसरा स्टेट्यूटरी फी, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, एंड चौथा शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, हाँ सर हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट, अभी अभी जो मैंने बताया बेनिफिट या एग्जम्पशन अवेलेबल, बेनिफिट या एग्जम्पशन अवेलेबल टू डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी को क्या बेनिफिट है या क्या एग्जम्पशन अवेलेबल है? सबसे पहला रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है कि नहीं, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट्यूटरी कंप्लायंस ज्यादा करने हैं होते हैं या कम करने होते हैं, तो स्टेट्यूटरी कंप्लायंस कम करने होते हैं। थर्ड, कितना बोर्ड मीटिंग करना होता है? नॉर्मल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करना होता है, बट डोरमेंट कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करना होता है, और इस 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना गैप होता है? इस 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 दिनों के गैप होता है। फिर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और एक बार जो आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रिसीव कर लिया तो आप 5 साल तक उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, राइट? और एक कॉन्सेप्ट अपन ने और पढ़ा था जिसका 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 नाम है इनएक्टिव कंपनी। तो बोलता है इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट बीन कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यानी वैसे कम नहीं जो कोई बिजनेस प्रोफेशन सॉरी बिजनेस या ऑपरेशन कंडक्ट ही नहीं, कैरी ही नहीं कर रहा है, जिसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और जिसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया है एंड एनुअल रिटर्न दोनों में से कुछ भी सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो अपन ने डोरमेंट कंपनी यानी सेक्शन 4
5 का मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, टैक्स कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, एंड एग्जम्पशन या बेनिफिट क्या होते हैं डोरमेंट कंपनी को, ये अपन ने आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।